नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज है, क्या है आज, सॉरी आज है, मे बी आज है 23 सितंबर। हाँ जी, 23 सितंबर। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ काफी दिन बाद। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले जो मेरा ब्लॉग दिखा होगा वो था जब मैं फरीदाबाद से अपने यहाँ आई थी, मतलब अपने घर आई थी, तो तब आप लोगों ने मेरा ब्लॉग दिखा होगा। उसके बाद आपको कोई ब्लॉग मेरा दिखा ही नहीं होगा क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, काफी दिन हो गए हैं ब्लॉग। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे, आप सोचेंगे ये मतलब यहाँ पे तो दूसरे कर्टन थे, ये कौन से लगा दी मैंने। तो अभी बीच में, अभी हाल फिलहाल में हमने अपना थोड़ा ये पर्दे वर्दे धोए थे, तो इस वजह से यहाँ के जो पर्दे थे वो मैंने चेंज करके ये वाले यहाँ पे लगा लिए क्योंकि ये अच्छा लग रहा था मुझे, कलर से भी मैच कर रहा था, तो इस वजह से मैंने लगा लिए हैं। और अभी जस्ट मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस अभी मैं थोड़ा शावर मैंने लिया हुआ है, मतलब मैं नहा धो के आ गई हूँ। आपको मेरे थोबड़े से, मतलब मेरे फेस से लग सकता है कि मैं नहा धो के आ गई हूँ। और मैंने अपना, ये देखिए अपना बेड मैंने ऑलमोस्ट सही कर लिया है, मतलब साफ सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा मेरा लग चुका है। अभी मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े डालने और मैं आपको दिखाती हूँ आज यहाँ का मौसम कैसा हुआ। वैसे काफी दिनों से यहाँ पे मौसम काफी अच्छा हो रखा है, मतलब ठंडा हो रखा है, बारिश वारिश आ रही है बट ठंडा हो रखा है। तो चलो दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बाहर का नजारा, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ ना। और वैसे भी कई दिन हो गया आप लोगों ने मेरा जो यहाँ का, मतलब मेरे, एक बार मैं लाइट बंद कर लेती हूँ, आप बोलोगे अंधेरा हो गया। वैसे मैंने कई दिन से आपको ब्लॉग में यहाँ का नजारा नहीं दिखाया था, दिखाती हूँ चलो। तो ये देखिए बिजी पर्सन, ये बिजी रहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, देखिए आप लोग, बाहर अच्छी धूप लगी हुई है और मम्मी आपको दिख रही होगी बाहर पे, ये मम्मी कर रही है पूजा। कपड़े मैंने धुल चुके हैं। कपड़े मैंने धो लिए हैं और फर्श भी मैंने साफ कर लिया क्योंकि आपको पता है अगर हम कपड़े धोते हैं तो पसीना, मतलब सॉरी पानी जो होता है वो नीचे गिर जाता है तो फर्श गीला हो जाता है। तो इस वजह से मैं कपड़ों को ड्राई बहुत कम करती हूँ। और ये देखिए कपड़ों से मैं भी आपको पानी निकल रहा होगा। और यहाँ का मैं आपको वेदर दिखाना चाहूंगी, देखिए वेदर, मौसम आज थोड़ा सही है। कल से मैंने जैसा आपको बोला है यहाँ पे बारिश आ रही थी और आप देख सकते हैं अभी धूप लग चुकी है और थोड़ा सा मौसम सही है, मतलब ठंड भी है, गर्म भी है, हवा भी चल रही है। और आपने जो आगे, मैं आपको ये देख रहे होंगे आप जो आगे ये पानी है ना, ये पानी उसी टाइम का है जब यहाँ पे बारिश आई थी, यानी कि जुलाई में यहाँ पे बारिश आई, तब से ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा का ऐसा ही है प्लॉट में, ये देखिए। मैं अंदर आ गई हूँ गाइस क्योंकि मैं बाहर पे, जैसे आपको पता, मैं बता रही थी आपको कि वो पानी जो प्लॉट में भरा हुआ है वो पानी अभी भी वैसे का वैसा है, क्योंकि जैसे वो पानी कम होता है तो यहाँ बरसात आ जाती है और बरसात में फिर वो भर जाता है। तो आप लोग लगा सकते हो जुलाई से वो पानी ऐसा का ऐसा भरा हुआ है और पता नहीं कब जाके खत्म होगा। और इस पानी के कारण हमें बहुत दिक्कतें हो रही है क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा इस पानी की वजह से आ रहे हैं। और आपको पता है आजकल मच्छर फिर से स्टार्ट हो गए हैं तो डेंगू होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग, मतलब जो भी यहाँ के नगर निगम वाले हैं उनको बोल रहे हैं कि यार इस पानी को थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिए। तो देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि 3 महीने के आसपास हो गया है फिर भी इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। जुलाई से हुआ है और अभी अगस्त अक्टूबर आने वाला है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और बस कुछ नहीं, कपड़े मैंने धो लिए हैं जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब मैं थोड़ा अपना, मेरा वो दर्द देख सकते हैं आप लोग, मेरा सीट मेरा वेट कर रही है। अभी मैं वहां पे वीडियो बनाती हूँ, मेरे को वीडियोज बनाने हैं अपने चैनल के लिए। और बस कुछ नहीं, बस आज मैंने आप लोग के साथ ऐसा ही, मैंने मन बनाया कि आप लोग के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूं, क्योंकि गाइज पहली बात मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं सकती हूँ और ऊपर से मेरी फैमिली भी इतनी, मतलब कैमरा
कैमरा फेस नहीं करती है और उन लोगों को नहीं अच्छा लगता है ज्यादा कैमरा फेस करना। तो मैं आपको पता है मैं बहुत ही कम ब्लॉग बनाती हूँ, पहले मैं कंटिन्यू करती थी बट अब मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है। अगर फैमिली में हो आप तो हर चीज आपको देखनी पड़ती है। और आपको पता है गाइस कि ब्लॉगिंग करना ईजी नहीं होता है, बहुत दिक्कतें होती है। जो लोग कई लोग सोचते हैं कि हम ब्लॉग कर रहे हैं मतलब हम अपना पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं तो मतलब हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, हम बस फोन पकड़ना दिखाना है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी लोग ब्लॉगिंग के थ्रू आगे बढ़े हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि एक ब्लॉगर जो अपना पर्सनल लाइफ दिखा रहा है उसको बहुत कुछ फेस करना होता है। जैसे कई बार होता है किसी की फैमिली शो नहीं करवाने देती है, किसी की फैमिली बोलती है नहीं करना है नहीं दिखाना है, बट फिर भी कई लोग कई तरीकों से अपनी पूरी पर्सनल लाइफ शो करते हैं। तो वही मेरे को अब ये लगता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ब्लॉग करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत मेहनत लगती है। जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं सैल्यूट करती हूँ मैं लोगों को, कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ के एक एक पार्ट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और हाँ लोग जैसे कई बार होता है ना बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी ये बोलते हैं कि आप तो कुछ दिखाई नहीं रहे हो, छोटी छोटी चीजें दिखाते थोड़ा थोड़ा दिखाते। तो भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकते ना, उसमें से 10-15 मिनट निकाल के आपको दिखा देते हैं जो भी अपनी लाइफ में दिखाना होता है। तो बस वही है, एक जैसे मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ मुझे पता है कि यार मेरी फैमिली कोई भी मेरे को ब्लॉग करने के लिए मना नहीं करती है, कोई चीज ये नहीं बोलती कि नहीं बनाना है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं उनको कैमरे में लाना चाहूं तो उन लोगों को कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता है। तो कई चीजें हो जाती हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में हम आपको नहीं दिखा पाते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो बस मेरे पास जो भी कंटेंट होता है, जितना कुछ भी मेरे आसपास जहां पे जैसे भी मैं हूं, तो अभी मैं घर से बाहर भी मतलब मैं भी बहुत कम निकलती हूँ, निकलती क्यों नहीं बट बहुत कम निकलती हूँ। अभी जैसे घर में तो घर का ही दिखाऊंगी आपको, जो भी छोटा मोटा होता है घर में तो वही चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने चैनल पे अपने ब्लॉग में मैंने बहुत कम अपनी फैमिली को आपको दिखाया होगा क्योंकि मेरी फैमिली मैं ज्यादा नहीं आना चाहते हैं कैमरे के सामने में भी, तो इस वजह से मैं बहुत ही कम शो करती हूँ। बाकी बस कुछ नहीं, आज देखते हैं क्या क्या मैं आप लोग को दिखाऊंगी। स्टार्ट तो मैंने ब्लॉग कर लिया है बट देखती हूँ आपको क्या क्या दिखाऊंगी। तो इस वजह से मैं ज्यादा नहीं ब्लॉगिंग करती हूँ, जब मन करता है मैं बना लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि बनाना चाहिए तो मैं बना लेती हूँ। तो आज मुझे लगा काफी दिन हो गया मैंने ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर किया, तो मुझे लगा आज मैं ब्लॉग बना देती हूँ। तो चलो मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, 5 बजने वाली है और मैं अभी करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। प्लीज आप मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सिलन आ गई है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैं करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे लगा लिया अपना योगा मैट और मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल। वैसे तो मैं बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रही थी, बीच में मेरा सही था एक्सरसाइज करने का स्लो, बट अभी आजकल मैं एक्सरसाइज मतलब ये 2-3 महीने से मैंने एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही कम कर लिया था। तो अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी, उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर रेडी होके जाऊंगी वॉक पे। तो चलो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ और आप बोलेंगे मेरा फेस को क्या रखा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले उठी हूँ तो बिंदी पता नहीं कहाँ है, मेरे सिर पे माथे पे बिंदी बहुत कम टिकती है तो पता नहीं कहाँ गिर गई, और बाल भी मैंने अभी कॉम नहीं किया है बालों पे। तो गाइस शाम का समय हो चुका है और मैं अभी आ गई हूँ घूमने, आप लोग देख सकते हैं मैं वॉक करने आई हूँ। बट घूमे कैसे, मैंने सोचा था पार्क जाऊंगी बट यहाँ पे पार्क का तो बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि जितने में मैं सोचती हूँ मैं पार्क जाऊंगी उतने में यहाँ पानी भर जाता है पार्क में और घूमा ही नहीं जाता है। और अभी मैं अपने घर के आस पास ही घूम रही हूँ, मतलब मेन हाईवे पे घूम रही हूँ क्योंकि हमारी जो गली है वो ऑलरेडी भर चुकी है पानी से, इस वजह से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। और आप लोग देखिए आगे पानी भरा हुआ है और इधर ये हमारी गली है, तो अपनी गली में मैं घूम नहीं सकती हूँ। तो जो ये वाली हाईवे है हमारी गली के सामने, देखो यहाँ भी पानी भरा हुआ है, ये वाली हाईवे है तो इसी पे मैं घूम रही हूँ। बाकी मौसम देखिए आप लोग, मौसम बस 2 घंटे की यहाँ पे बारिश आ रही है, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम और फिर मौसम सही हो जा रहा है। दोस्तों मैं घूम के आ गई हूँ और अभी जस्ट मैं अपना बना रही हूँ यहाँ पे डिनर। तो डिनर में आज मैंने घिया दाल की सब्जी बनाई है जिसकी रेसिपी मैं नहीं दिखाने वाली, और अभी आप मैंने बनाया है मसाला ओट्स अपने लिए, और आज हमने आटा जो लगा रखा है वो है रागी का आटा,
इसको रागी आपने देखा होगा मंडुआ बोलते हैं उसका आटा है। आटा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। जो भी लोग डायबिटीज वाले हैं उन्हें रागी का ही आटा खाना चाहिए। रागी का आटा उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। रागी को मंडुआ भी बोला जाता है। तो चलो अब हम थोड़ी रोटी बनाते हैं। दाल हमारी बन रही है।